वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स दोस्तों, आप सभी लोग UPRTOU सेकंड लिस्ट की वेट कर रहे हैं। कई सारे फोन का काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी कॉल्स और स्लॉट बुकिंग भी दोस्तों हो रही है, वो प्रक्रिया अपना अलग चल रही। जिस भी बच्चे को कोई डाउट है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और उसमें मुझसे पर्सनल गाइडेंस, किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी सेकेंड लिस्ट का कल मैंने खुद फोन किया था, कल नहीं सॉरी आज ही किया था सर, ध्यान है, ठीक है। तो वो किया तो वो रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्या उन्होंने बताया कि सर कब तक आ रही। तो उनका यही कहना कि आजकल में आ जाएगी, और एक बड़ी बात उन्होंने बोली, अब उसमें क्या सच्चाई, वो लिस्ट इस बार आ नहीं रही, सीधे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तभी दिखेगा, तो वो क्या मैटर है वो भी मैं देखूंगा। उसमें ये चीज उन्होंने बताया है कि भैया जो है इस तरीके से है, और कि जो ओबीसी वर्ग है, मैंने ये कहा जैसे आपने 400 बच्चों को बुलाया तो इसमें जनरल भी थे, ओबीसी भी थे और एससी भी जो सामान्य वर्ग में पास करेंगे, तो मैंने कहा क्या इनको आप दोबारा मौका देंगे। तो बोले इन बच्चों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, उनका ये कहना है। तो मैंने कहा ये समझ में नहीं आया भाई, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अब उनका कहना जो नए होंगे उनको मिलेगा, तो जो नए मिलेंगे तो 400 ऊपर जितने भी है मान लो ओबीसी वर्ग के हैं तो उनके चांसेस बन जाएंगे। और ये मैंने आपको 10 बार बोला कि महिला एससी की कट ऑफ कम जाएगी, महिला ओबीसी की कट ऑफ कम जाएगी, महिला आपकी एसटी की कट ऑफ बहुत जाएगी, डिफेंस कोटा की कम जाती है और आपका जो हैंडीकैप्ड कोटा उसकी भी कम है। ये मैंने आपको चीजें बता रखी, ठीक है। तो ये सारे आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं भाई साहब एक एक चीज में बता चुका, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। एक तो ये, हाँ मैं आपको बता दूं, ये सेंटर पुलिस का एग्जाम जो फंस गया इसमें सरकारी टीचर्स की ड्यूटी लगी है, चाहे वो प्राइमरी का टीचर हो कहीं का भी हो, तो उन पर जिम्मेदारियां भी आई, ठीक है। तो क्या पता 1-2 दिन डिले हो जाए वो पुलिस के एग्जाम में, बाद बाकी आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट बनवाने का, सब कुछ मिलेगा और घबराने की दोस्तों जरूरत है नहीं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, एमपी वो जाने वाला है आपका, उत्तराखंड चल रहा है, फॉर्म भर सकते हो। 31 अगस्त दोस्तों लास्ट डेट है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इस बात को भी समझ लीजिए। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप समझ गए, जुड़ गए हमारे चैनल मैथ्स वॉरियर से। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, सेकंड लिस्ट आ गई है क्या सर? की लिस्ट की सीधे एडमिट कर लाया है, वेटिंग कट ऑफ लिस्ट आएगा तो उसके साथ तो वो एडमिट कार्ड भी आएगा। तो अभी नहीं आएगा सर? नहीं। कब तक आएगा सर, कुछ है? कल तक आ जाएगा। कल तक आ जाएगा जी। तो सर जो पहली लिस्ट में आए तो उनको दोबारा बुलाया जाएगा? नहीं। अच्छा, तो जैसे कोई कैटेगरी है तब भी नहीं? नहीं। तो अब अलग से ओबीसी वाले बुलाए जाएंगे जी? अच्छा, चलिए ठीक है सर।